नमस्कार प्रिय छात्रा, डियर कोडिंग इत्यत्र स्वागतम। इस प्रोग्राम में हमें यूजर से दो प्लेसेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वैल्यूज रिसीव करने हैं। हर एक प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है। दो प्लेसेस हैं। मान लेते हैं फर्स्ट प्लेस का लैटिट्यूड है L1 और लॉन्गिट्यूड है G1, और सेकेंड प्लेस का लैटिट्यूड है L2 और लॉन्गिट्यूड है G2। प्रोग्राम को इन दोनों प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस नॉटिकल माइल्स में पता करना है। दो डबल वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे L1 और G1। L1 फर्स्ट प्लेस का लैटिट्यूड है और G1 फर्स्ट प्लेस का लॉन्गिट्यूड है। इसके बाद दो डबल वेरिएबल्स और क्रिएट करेंगे L2 और G2। L2 सेकेंड प्लेस का लैटिट्यूड है और G2 सेकेंड प्लेस का लॉन्गिट्यूड है। अब यूजर को फर्स्ट प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंटर करने को कहेंगे। एंटर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द फर्स्ट प्लेस L1 G1। ऐसे ही अब यूजर से सेकेंड प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एंटर करने को कहेंगे। अब ध्यान देना, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है? एंगल्स है, और यूजर डिग्रीज में इनका वैल्यू एंटर करेगा। फॉर्मूला में आप देख रहे हो कि हमें इन एंगल्स का साइन और कॉस निकालना है, तो हम सी के इनबिल्ट साइन और कॉस फंक्शंस का यूज करेंगे, जो कि math.h हेडर फाइल में डिफाइंड है। और इन फंक्शंस में हमें रेडियंस में इनपुट देना होता है, डिग्रीज में नहीं। इसलिए अब हम L1 G1 और L2 G2 को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। एक एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो L1 को π/180 से मल्टीप्लाई किया और L1 में ही स्टोर कर दिया, और पाए को यहाँ ऊपर डिफाइन करना नहीं भूलना है। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। डिस्टेंस को डिक्लेयर भी मैंने अभी ही किया है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3963 इंटू ए कॉस ऑफ दिस, ए कॉस यानी कॉस इनवर्स, साइन L1 इंटू साइन L2 प्लस कॉस L1 इंटू कॉस L2 इंटू कॉस G2 माइनस G1। और हमने math.h हेडर फाइल्स के फंक्शंस यूज किए हैं, इसलिए ऊपर math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना नहीं भूलेंगे। और अब फाइनली स्क्रीन पर डिस्टेंस का वैल्यू प्रिंट करवा देंगे। रन कोड। मैं कोई भी ऐसे ही आर्बिट्रेरी वैल्यूज पास कर रही हूँ। डिस्टेंस आ गया 369.34 नॉटिकल माइल्स। मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इससे भी बेटर कोड लिखा होगा, तो उन इम्प्रूवमेंट्स को सिर्फ अपने तक मत रखो। आपको मेरे कोड में जो भी करेक्शंस दिखते हैं, आप इस गिटहब रिपोजिटरी में बताओ। अगर आपको पता है गिटहब रिपोजिटरी में चेंजेस पुश पुल कैसे करते हैं, तो आप डेफिनेटली वो भी करो। ये सब कुछ आपकी गिटहब प्रोफाइल पर विजिबल होगा। आपके जॉब इंटरव्यू में ये बहुत काम आएगा। धन्यवाद।